चलो भाई, मेरा तो हो गया काम आज का खत्म, अब मैं जा रहा हूँ, मुझे ऑफिस से बहुत देर हो रही है। ठीक है ऋषभ, ये बस एक फ्रेम रह गया, इसको हैंग कर दे यहाँ पे। ये और तुम्हें क्या हो गया यार, मतलब अब हम इसी घर के अंदर तो है, प्लीज इसको करती रहना ना सेट, तुम अभी मुझे जाने दो यार। आप इतना बेजार क्यों हो गए, मैं भी थक गई हूँ। तुमने ना मेरे जाने के बाद सो जाना और मैंने सारा दिन काम करना है। तो ऑफिस ना जाए आप? तुम्हें लगता मैं इतना फारिग हो गया हूँ? देखो तुमने अपनी मर्जी से इस घर को लिया था ना, अब इसको सेट भी तो करो। ओह गॉड, देखो आई विश आई कुड स्टे, लेकिन देखो ना 8:30 हो गए हैं, मुझे भी नहाना भी है, प्लीज लेट मी गो, आई हैव टू रीड। ठीक है चले जाए, लेकिन सुने वापसी में ना सब्जियां ले आइएगा और आलू तो लाजमी लाइएगा। आप एक काम क्यों नहीं करती है, ये सारा कुछ मुझे एक ही दफा लिख दीजिए, मैं सब कुछ ले आऊंगा। ठीक है बना देती। शायद अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर है। चलो उसके यहाँ देर है, अंधेर ने। अरे बातों बातों में तो तुमसे पूछना भूल ही गई, क्या लोगी चाय या बल्कि तुम्हें चाय ही पीनी पड़ेगी क्योंकि मेरा फ्रिज ऑन नहीं हो रहा है। अच्छा क्या हुआ फ्रिज को? पता नहीं उसका कोई स्विच खराब है, मैं अशरफ से कह भी रही थी कि इलेक्ट्रिशियन को बुला ले, लेकिन वो जल्दी जल्दी में ऑफिस निकल गए। कौन सा स्विच? वो अंदर वाला। अब तुम ये मत कहना कि तुम्हें इलेक्ट्रिशियन का भी काम आता है। तुम उसे ऑफ करो फिर जॉन हो जाएगा। क्या मतलब? मतलब ये कि कभी कभी स्विच उल्टा भी तो लग जाए। अरे खीर तो तुमने खाई नहीं। ये देखो जरा बातों बातों में तुम्हें भूल ही गई, मैं भी खाती हूँ, पता तो चले कि तुम सिर्फ बातें तो नहीं करती।
कैसी बनी है खीर? बहुत मजे की। तुमने बनाई है? पड़ोस से आई है। वाह, पहले दिन ही इतनी मजेदार चीज। तो तुमने टिप्स तो ली होंगी खीर बनाने की? शुरू शुरू में सब ऐसे ही होते हैं। पड़ोस वाली नहीं थी हमारी पुरानी, जाते हुए मिलने भी नहीं आई हमसे। तुम कौन सा मिलने के लिए चली गई थी उससे? मैं क्यों मिलती उससे? खैर, ये खीर शाइस्ता ने बनाई है। यहाँ पे रहते थे पहले वो लोग, काफी बातें किया जिसने मुझसे। तो उसने क्यों छोड़ा ये घर? पता नहीं, शायद अपना घर खरीद लिया। अच्छा, कूल। लो भाई, ये खीर मेरे लिए रख देना तुम फ्रिज में, कल खाऊंगा। और सुबह को मुझे जल्दी उठा देना, क्योंकि आज भी मैं ऑफिस से लेट था और बॉस नहीं आए हुए थे, इसलिए बचत हो गई। ठीक है, चलो, गुड नाइट। क्या हुआ? क्या सोच रही हो फौजिया? फौजिया, सॉरी। क्या हुआ, तुम नाश्ता भी नहीं कर रही हो और क्यों सोच रहे हो? कुछ नहीं, ऐसे घबराहट हो रही है। रात को नींद भी ठीक से नहीं आई। लेकिन रात को तो लाइट भी नहीं गई थी, फिर नींद क्यों नहीं आई? पता नहीं क्यों दिल घबरा रहा है। आप आज जल्दी आ जाइएगा ऑफिस से, नया घर है ना, सेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। देखो, अभी तो मैं खुद नौकर हूं, जिस दिन मालिक बन जाऊंगा तब तुम्हारी ये बात मानू। फिर भी कोशिश कीजिएगा प्लीज। नाश्ता करो, कोशिश करेंगे। तुमने बताया नहीं तुम्हारे उनको खीर कैसी लगी? खीर बहुत पसंद आई उनको, बहुत तारीफ कर रहे थे। मुझे बहुत अच्छी खीर बनानी आती है। वैसे हर किसी के बस की बात नहीं होती खीर बनाना। पता है, मैं जब भी खीर बनाती हूँ ना, तो कभी चीनी कम डल जाती है, कभी चावल नहीं खिलता। मुझे अशरफ हमेशा कहते हैं कि तुम तो खीर बनाया ही ना करो। कि कल मैं हैरान थी, एक मिनट में चट कर गया पूरी खीर। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खीर बनाना सिखा दूंगी। अगर तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी तो मैं चलती हूँ। नहीं नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बहुत दिल घबरा रहा है। कल रात को? क्या रात को? रात को तुम भी बस घर में रही हो, तुम्हें कभी कोई चीज? क्यों डरा रही हो? साफ साफ बताओ क्या हुआ है। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी चादर खींची हो। पागल, अशरफ भाई होंगे। नहीं,
अशरफ नहीं थे, मैंने खुद देखा था, वो तो सो रहे थे। तो फिर? पता नहीं, मुझे मुझे वाकई में कुछ महसूस हुआ जैसे। तुम्हारा वहम होगा। हाँ ये भी हो सकता है। देखो नया घर है ना, होता है। अशरफ, क्या हुआ? क्या हुआ? जलजला आ रहा था, मेरा पूरा बेड हिल रहा था। क्या बात कर रही हूँ, मैं वॉशरूम के अंदर था, मुझे तो कुछ फील नहीं हुआ। ऐसे कैसे हो सकता है आपको पता ना चले, पूरा बेड जोर जोर से हिल रहा था। मेरी बात सुनो, यहाँ पर कोई तीसरा तो है नहीं कि जो हमारा बेड हिलाए। मुझे नहीं पता, मुझे लग रहा है कोई है, कोई है हमारे अलावा। तुमने किसी को देखा है क्या? नहीं, वही तो अशरफ, कौन हो सकता है हमारे अलावा फिर? तो बस फिर से वहम है तुम्हारा ये? मैं खुदा की कसम खा के कह सकती हूँ, बेड हिल रहा था बहुत जोर जोर से। अल्लाह, अच्छा तुम रिलैक्स करो, ये पानी पियो, आराम से। क्या हो गया है? क्या हो गया? मुझे बहुत डर लग रहा है यहाँ पे, मैं इस घर में नहीं रहूंगी। पागल हो गई हो तुम क्या? इतनी जिद करके तुमने ये घर लिया और अब कह रही हो कि तुमने यहाँ पर रहना नहीं है? मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं नहीं रहना चाहती इस घर में। देखो हम ये रोज रोज शिफ्टिंग करना अफोर्ड नहीं कर सकते, एक साल का एडवांस दिया हुआ हमने यहाँ पर, पता है ना तुम्हें? अभी इज्जत छोड़ो और प्लीज आराम से सो जाओ, तुम बहुत दिनों से सही तरह नहीं सोई हो, यू नीड टू स्लीप। ओके, कितनी गिरे बाकी है। अरे तुम तो डर गई, अगर मैं हूं? किस तरह का मजाक है? सॉरी यार, मैं तो बस। तुम अंदर कैसे आई? उड़ के। देखो मैंने तुम्हें कहा है ना, इस तरह के बेहुदा मजाक मुझसे मत किया करो, मुझे नहीं पसंद ये सब कुछ। अच्छा अच्छा, आई एम सॉरी। ये बताओ इतना घबराई भी क्यों? इस घर में कुछ है, मुझे बहुत डर लगने लगा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ तुम्हारा वहम है। हर किसी ने वहम 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 की रट लगाई हुई है, मुझे वाकई में कोई कोई नजर आता है। मैं तो ये सब कुछ बस इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तुम ऐसा किया करो, नमाज की पाबंदी करो, बल्कि मैं तुम्हें एक वजीफा दूंगी, वो पढ़ के सोया करो। पढ़ती हूँ, जब तक नींद नहीं आती पढ़ती रहती हूँ। बेचारे अशरफ आज तो नाश्ता किए बगैर ही ऑफिस चलेगा, मुझे उठाया भी नहीं उन्होंने। अच्छा अच्छा, चलो अपना मूड तो ठीक करो। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। मैं ऐसा करती हूँ, तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। नहीं यार, मैं बना देती हूँ, तुम रहने दो। गुड गर्ल। रुको रुको, माचिस मत जलाना, माचिस बिल्कुल मत जलाना, चूल्हा खुला हुआ है, गैस बंद करो, उसे बंद करो। लेकिन ये किसने ऑन की? क्या बात कर रही हो, तुम्हें तो किचन में, और कौन करेगा? यार मैं तो सब्जी काट रही थी, मैंने तो गैस ऑन नहीं किया। अच्छा
देखो, इस आग से बच के रहना। यह आग बहुत तकलीफ देती है, इससे बच के रहना। इस आग से बच के। क्या हुआ, आप सोए नहीं अभी तक? यार मेरे सर में बहुत दर्द हो रही है, सोया नहीं जा रहा मुझसे। मैं कोई दवाई दे देती। नहीं, दवाई नहीं, मुझे एक कप कॉफी दे दो। हाँ, पर कॉफी कमाल है। मैं भी वैसे यही सोचती थी कि वो कौन इंसान होगा जो कॉफी नहीं पीता होगा। अशरफ, 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 क्या हो गया यार फौजिया, फिर कुछ हो गया क्या? कॉफी बना दिया मैंने आपके लिए। कॉफी? हाँ, आपके सर में दर्द हो रहा था ना, आपने मुझे कहा था कि कॉफी बना दो। मेरे सर में दर्द हो रहा था? रात के 3 बजे तुम कॉफी बनाकर मेरे सर पर बैठ गई, हालांकि तुम्हें पता है कि मैं कॉफी पीता नहीं। अशरफ, आपको क्या हो गया? आप भी तो आप आए थे, आपने मुझसे कहा था कि कॉफी बना दो। नहीं, मैं नहीं आया था। आपने नहीं कहा था? अशरफ, आपको क्या हो गया? अभी तो आप बाहर आए थे, आपने मुझसे कहा था कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे कॉफी बना दो। क्या हो गया तुम्हें यार? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अगर आप नहीं थे तो फिर वो कौन था? देखो प्लीज, अब ये मत कहना कि तुम्हें मेरा भी भूत नजर आना शुरू हो गया। मैं आपसे झूठ थोड़ी बोलूंगी, इतनी रात को क्यों बनाऊंगी मैं आपके लिए कॉफी। अच्छा फौजिया, एक काम करो, तुम प्लीज बैठो, प्लीज बैठो, मैं तुमसे कुछ बात करना चाह रहा हूँ। देखो तुम सना से क्यों नहीं मिल रही थी? सना से? हाँ, सना तुम्हारी बहन है और एक साइकेट्रिस्ट भी। देखो तुम बात समझ नहीं रही, ये जो हमें मसले पेश आ रहे हैं, अगर सना इन मसाइल का हल बता सकती है तो उससे मदद लेने में क्या हर्ज है? कैसी मदद? अशरफ, आपको क्या लग रहा है कि मैं ये सब कुछ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं कोई नफसियाती मरीज हूँ? मैंने ऐसा कब कहा है? कहा नहीं, लेकिन मतलब तो यही है ना आपके कहने का। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। आपके कहने का मतलब जो कुछ भी है, लेकिन मैं नफसियाती मरीज नहीं हूँ। देखो फौजिया, तुम बात को समझने की कोशिश नहीं कर रही, वो तुम्हारी बहन है, तुम उसके साथ अपने मसाइल डिस्कस करोगी तो तुम्हें जानती है, वो तुम्हें हल बताएगी इसके। अच्छा देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम इन चीजों का हल निकालो, मैं चाहता हूँ तुम खुश रहो, अपना ख्याल रखो, हम दोनों खुश रहे। आपको लग रहा है कि मैं आपको जानबूझ के तंग कर रही हूँ? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो हो सकता है जो तुम कह रही हो, जो तुम बताती हो, वो सब कुछ सच हो, लेकिन जब तक हम बीमारी की जड़ तक नहीं जाएंगे, हम उसका इलाज कैसे करेंगे? अच्छा देखो, इस बार मेरी बात मान लो, उसके बाद तुम जो कहोगी, जैसे कहोगी वैसे ही हो, ओके? तुम भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो, बहुत ज्यादा रात हो गई, मैंने सुबह ऑफिस भी जाना है, प्लीज सो जाओ। Thank you.
देखो फौजिया, मैं जो जो तुमसे पूछूंगी तुम मुझे बिल्कुल ठीक ठीक बताओ। हाँ पूछो। तुम्हारे अशोक भाई से झगड़ा तो नहीं होता? सवाल ही नहीं ज्यादा होता। कभी उन्होंने तुम्हें औलाद ना होने का ताना तो नहीं दिया? कभी भी नहीं। कोई माली परेशानी? अक्सर औकात हो जाती है, लेकिन इस बात पर हम लोगों का झगड़ा नहीं हुआ कभी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी नींद कैसी है? तुम्हें ठीक से नींद आती है? तब से इस घर में आई हूँ तब से तो नींद पूरी नहीं हो रही। देखो फौजिया, जिंदगी में अक्सर औकात वैसा नहीं होता जैसा हम सोच रहे होते हैं, बल्कि हमारा वहम भी हो सकता है। साइंस जनरल भूतों को नहीं मानती और मान भी नहीं सकती। मेरे ख्याल से ये तमाम चीजें तुम्हारी नींद पूरी ना होने की वजह से हो रही है। देखो तुम मेरी बात समझ नहीं रही। जब अब्बा का इंतकाल हुआ था तो कई हफ्तों तक मैं नहीं सोई थी, तब भी तो मुझे कुछ जिन भूत नजर नहीं आए थे। लेकिन तब हमें ये इत्मीनान तो था ना कि अम्मी है हमारा ख्याल रखने के लिए। मुझे अब भी इत्मीनान है कि अशरफ मेरा ख्याल रखने के लिए है। तुम वाकई बहुत लकी हो, अशरफ भाई तुम्हारा बहुत ख्याल रखते हैं, बल्कि वो बहुत परेशान है तुम्हारे लिए और उनका यही ख्याल है कि नींद ना होने की वजह से तुम्हें ये सब मसले हो रहे हैं। हाँ। अच्छा तुम मेरी एक बात मानो, मैं तुम्हें दवाई लिख के देती हूँ, तुम वो दवा खाओ और आराम से अपनी नींद पूरी करो, फिर देखते ठीक है? और जो मुझे चलते फिरते लोग नजर आ रहे हैं उसका क्या? तुम दवा लेके तो देखो, अगर फिर भी फर्क नहीं पड़ता तो तुम जो कहोगी हम मान लेंगे, ठीक है? लगता है कि सना से मुलाकात हो गई तुम्हारी। आई थी वो, उसे लगता है मुझे सुकून की जरूरत है इसलिए नींद की गोलियां देके गई। हाँ तो इसमें बुरा मनाने की क्या जरूरत है, बल्कि अच्छी बात है कि आधी रात में तुम्हारी आंख नहीं खुलेगी। जो भी है, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ। आई नो, ऐसा कोई नहीं कह। फौजिया, फौजिया, फौजिया मुझे देर हो रही है, प्लीज जल्दी करो ना। बस हो गया ना टिफिन, ठीक। अच्छा वो मैं सोच रही थी कि अम्मी को बुला लेती हूँ कुछ दिनों के लिए। क्यों? ऐसे क्यों उन्हें इतनी तकलीफ देनी है यार, इतनी दूर से कहाँ आएंगे वो? वैसे भी हमारे घर में इतनी जगह नहीं है। तुम ऐसा करो, सना को बुला लो, उसके पास गाड़ी भी है, आने में आसानी हो जाएगी। नहीं नहीं सना ऐसी परेशान हो जाएगी, मैं शाइस्ता को बुला लेती हूँ। हाँ चलो ठीक। अच्छा सुना आप जल्दी आ जाइएगा आज शाम को, शाइस्ता भी जल्दी चली जाएगी और गैर मर्दों से पर्दा करती है। अच्छा जैसे एक बात बताओ, ये जो तुम्हारी दोस्त है शाइस्ता, ये आज रात रुक सकती है तुम्हारे साथ? पता नहीं, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? यार वो कंपनी के काम के चक्कर में ना मुझे हैदराबाद जाना पड़ा। अब आई एम नॉट श्योर, बट हो सकता है कि मैं आज रात वापस ना आऊं, कल। कल वापस आएंगे? मैं अकेली कैसे रहूंगी घर में? इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि तुम शाइस्ता से एक दफा बात कर लो, फिर उसके मुताबिक एडजस्टमेंट कर लेंगे हम। ठीक है, लेकिन आप फिर भी जल्दी आ जाइएगा, अगर वो नहीं रुकी तो मैं उसके घर चली जाऊंगी। चलो ये भी ठीक है, ख्याल रखना।
तो कुछ नहीं होता तुम्हारे साथ। नहीं अब तो ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन कल ख्वाब में देखा था जैसे कोई मेरे साथ बैठा है। कोई बात नहीं, रहम होगा। चलो अच्छा है, अब तुम सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। एक बात बोलो। हाँ बोलो। मुझे ऐसा लगता है जैसे अशरफ को औलाद की बड़ी चाह है। पता नहीं अल्लाह ताला की क्या मसलहत है कि उसने मुझे कोई औलाद नहीं दी। अशरफ को ये सजा नहीं मिलनी चाहिए थी। कुछ मसले देर से हल होते हैं और कुछ मसले जल्दी हल हो जाते हैं। तुम्हारा ये मसला भी हल हो ही जाएगा, अब सो जाओ। तक नहीं, अभी उठी हूँ। मैं तो आंख ही नहीं खोली इनकी गोलियों की वजह से। सुनो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। मैं मुंह धो के आ जाऊं फिर? नहीं, अभी दिखाना है। अरे तो है, आओ मेरे साथ। ये देखो, ये सब कुछ क्या? मैं सब कौन अशरफ? अशरफ आप कहाँ हैं? आप जल्दी से घर आ जाइए, मैं बहुत बहुत परेशान हूँ। आप जल्दी से घर। हाँ देखा, मैं तुम्हें कहती थी ना कि मैं झूठ नहीं बोलती, सब कुछ सच है। आज तो तुमने अपनी आंखों से देख लिया। फौजिया, होश में आओ। क्या हो गया? ये सब कुछ होने के बाद भी तुम मुझसे कह रही हो कि होश में आओ? तुम होश में तो हो? फौजिया मेरी बात सुनो। हाँ सुनाओ अपनी बात। ये खून नहीं है। क्या है ये? इस घर में जो कुछ भी हो रहा है वो किसी भूत का काम नहीं है। क्या बकवास कर रही हो तुम? देखो मेरी बात को गलत मत समझना, लेकिन क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारा शोहर तुमसे मोहब्बत करता है? क्या बकवास कर रही हो तुम? इस बात का अशरफ से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है फौजिया, मुझे लगता है कि देखो इससे पहले मेरा दिमाग फट जाए तुम प्लीज चुप हो जाओ। फौजिया मुझे लगता है इस घर में जो कुछ भी हो रहा है किसी भूत का काम नहीं है, वो खुद तुम्हारा शोहर कर रहा है। क्या बकवास कर रही हो तुम होश में तो हो? हाँ मैं होश में हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम भी होश में आओ। लेकिन वो ये सब कुछ मेरे साथ क्यों करेंगे? क्योंकि वो तुमसे खुश नहीं है। औलाद की सबसे बड़ी खुशी तुम उसे नहीं दे सकी हो। तुमने ही कहा था ना कि तुम जिंदगी में उसे कोई खुशी नहीं दे सकी, तो खुद बताओ क्यों रहेगा वो तुम्हारे साथ? बोलो। अगर ऐसी कोई बात होती तो वो मुझे तलाक दे देते। वो ऐसा कभी नहीं करेगा। तुम्हारा जहेज, तुम्हारा जेवर
अगर वो तुम्हें तलाक दे देता तो वो सब कुछ उसे छोड़ना पड़ता। वो तुम्हें पागल करके छोड़ना चाहता है। क्या बकवास कर रही हो तुम? इससे पहले मैं तुम्हें धक्के देके यहाँ से निकालूं, तुम खुद चली जाओ यहाँ से। उस दिन जो गैस खुली छोड़ी थी वो तुम्हारे शौहर ने खोली थी। वो जो कॉफी मांग रहा था वो भी तुम्हारा शौहर था। वो जिस चीज को तुम खाब समझ रहे हो, तुम्हारा हाथ पकड़ के बैठा था, वो भी अशरफ था। अब वो देखो जो खिड़की खुली है, तुम्हें क्या लगता है भूतों को खिड़की फैलां के आने की जरूरत है या उन्हें इस रंग को रोकने की जरूरत है? ये देखो तुम्हारे हाथों पे इंजेक्शन के निशान कि तुम्हारा शौहर तुम्हें लगाता रहा है ताकि तुम्हें नींद में कुछ पता ना चले। देखो इसे, ये कैसे निशान है? ये सब कुछ क्यों हो रहा है मेरे साथ? स्लो पॉइज़न। तुम ये बात इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? क्योंकि मैं अशरफ, अशरफ क्या हुआ? अशरफ ये देखे, ये आपको कहती थी ना सब कुछ सच है। सब किसने लिखा है यहाँ पर? कौन आया था यहाँ? मुझे नहीं पता किसने लिखा है और क्यों लिखा है ये। क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हारे कहने का मतलब है कि इस घर में कोई आया ये लिख कर गया और तुम्हें पता भी नहीं चला? मुझे नहीं पता चला, आप मेरी बातों का यकीन क्यों नहीं कर रहे? अच्छा ठीक है, ये आप शाइस्ता से पूछ ले। हाँ आज बुला लो शाइस्ता को, आज उससे भी बात करें। बुलाओ। जी खड़ी शाइस्ता, बात करें ना, पूछे इससे। शाइस्ता बताओ कहाँ? क्या मतलब है कहाँ? ये खड़ी है शाइस्ता आपके सामने। कहाँ? अशरफ आपके सामने खड़ी है शाइस्ता। शाइस्ता तुम ही कुछ बोलो ना, बताओ इनका कि तुम यहाँ पे हो। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? किससे बातें कर रही हो तुम? मेरा दिमाग नहीं खराब हुआ, शाइस्ता सामने खड़ी आपको नजर नहीं आ रही? बस बहुत हो गया ये ड्रामा, चुप करो। आपको लग रहा है कि मैं ड्रामा कर रही हूँ? हाँ बिल्कुल ड्रामा लगता है, क्योंकि उस दिन तुम्हारा बैग जल्दी से हिल रहा था और फिर तुम्हें मेरा भूत नजर आ रहा था, और आज तो तुमने हद ही कर दी। आज तुम्हें शाइस्ता नजर आ रही है जो यहाँ पर है ही नहीं। शाइस्ता देखो, जिस दिन पहली बार तुमने मुझे ये कहानी सुनाई थी ना शाइस्ता वाली, मुझे उसके कुछ दिनों के बाद पता चल गया था कि वो मर गई थी। हाँ वो यहाँ पर रहती थी ये सच है, लेकिन इसी घर के किचन में खीर बनाते हुए जलकर मर गई थी वो। लेकिन ये तो रोज आती थी और बताती भी थी। देखो पहले तो मुझे लगता था कि तुम पे कोई किसी किस्म की नफसियाती बीमारी जो है वो असर कर रही है, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया कि तुम्हारा पागलपन हद से पड़ता जा रहा है। पागल मत बोले मुझे। शाइस्ता कहती थी कि आप मुझे मारना चाहते हैं, मुझे पागल कर देना चाहते हैं। शाइस्ता 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 है ही नहीं तो ऐसी बातें आई कहां से? और अगर वो होती भी तो ऐसा कहती क्यों? आपी? आपी? मैं आपको शाइस्ता दिखाती हूँ। ये कौन शाइस्ता? फौजिया? अच्छा भाई क्या हुआ है? थैंक गॉड सना तुम आ गई। शाइस्ता देखो सना, देखो इसने अपनी क्या हालत बना ली, मुझे तो समझ नहीं आ रही मैं इसका क्या करूं। पागलों वाली हरकतें कर रही है, ऐसे इतना प्यार करती हूँ तो मुझे भी पागल कर देगी। तो मुझे ये बताओ तुम्हें यहाँ पर हम तीनों के अलावा और कोई नजर आ रहा है? लेकिन मुझे तो कोई नहीं नजर आ रहा। आप तो मेरी बात पे यकीन करें, यहाँ पे शाइस्ता थी। सना मेरी बात मानो तो तुम इसे यहाँ से ले जाओ, मेरा इसके साथ गुजारा नहीं है। कुछ दिन इसे अपने पास रखो, सही हो जाएगी। पागल हो गई है ये। पागल नहीं हूँ। आप मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं करें? यहाँ पे शाइस्ता थी। देखो मैंने कब कहा कि तुम पागल हो गई हो? ऐसा नहीं कह रहा था। देखो मेरी बात सुनो फौजिया, हर इंसान को जिंदगी में कभी ना कभी रेस्ट की जरूरत होती है और शायद तुम्हें वो जरूरत है। सना तुम्हारी बहन है, तुम उसके साथ जा सकती हो। नहीं मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। फौजिया अशरफ भाई ठीक कह रहे हैं, यू नीड हेल्प, तुम मेरे साथ चलो। चलो लेकिन मैंने शाइस्ता शाइस्ता वहां थी अभी, मैं बता रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। शाइस्ता वो वहां पे खड़ी हुई थी,
नहीं कहा जाएंगे, मैं झूठ नहीं बोल रही। तुम आ गई? आओ आओ, इधर आके बैठो मेरे पास। पता है मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आओ ना, बैठो यहाँ पे। वेरी गुड। अच्छा तुम मुझसे मिलने आ गई। पता है तुम ना बड़े मजे की खीर बनाती हो। मैंने तुमसे कितनी दफा कहा था कि मुझे खीर बनाना सिखा दो। है देखो तुम ही हो ना जो मेरे पास आई हो, कोई भी नहीं है यार, तुम ही आई हो। पता है तुम खीर बहुत मजे की बनाती थी। मैं तुम्हें कहती थी ना कि मुझे बनाना सिखा दो खीर। सेना अभी को शाइस्ता बैठी हुई है। मैं तुम्हें कहती थी ना मुझे नजर आती है, शाइस्ता है। मैं कहती थी ना, ये बैठी है, बात करो ना। शाइस्ता ये सना है मेरी बहन। मैं तुम्हारी दवा लेके आती हूँ, ठीक है? जाओ आराम से दवाइयाँ लाओ, मेरी फिक्र ना करना। मेरे पास शाइस्ता आ गई है ना, किसी को मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, मेरा ख्याल रखेगी। जाए जाए, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुम अच्छा हलने आ गए हो। मैं यहाँ पे बहुत अकेली होती हूँ। तुम रोज आ जाए करो मुझसे मिलने। कितनी गिरी